रीडिंग से क्या हो गया, रीडिंग सिंपल सी बात है। तो चीफ मिनिस्टर वेंट टू हाई कोर्ट फॉर रीडिंग, कितना आसान है ये। अब आप बताएं क्या आपको लगता है कि मुश्किल चीज है, बहुत आसान है। अभी हम इसको और कंसोलिडेट करेंगे, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। देन ही वेंट टू वॉच इंडियन रेसलिंग लीग फॉर वुमेन। तो अब ये ध्यान से देखें, इंडियंस इरविन हो गया, रेसलिंग से वेलिंगटन हो गया, लीग से लिलिथ हो गया, वुमेन डब्ल्यू से वेवल हो गया, एम से माउंटबेटन हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां कर्जन मिंटो हार्डिंग स्लैमफोर्ड रेडिंग, इरविन विलिंगटन लिलिथ गो वेवल माउंटबेटन, सॉर्टेड। फिर से देखिएगा इसको ध्यान से, अब यहां पे इस तरह से इसको लिख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर वेंट टू हाई कोर्ट फॉर रीडिंग, देन ही वॉच इंडियन रेसलिंग लीग फॉर वुमेन। अब आप ये बताओ मुझे, यहां तक क्या आपको कोई ट्रबल हुई इसको सीखने में? आई एम श्योर ये क्रोनोलॉजी तो आपको क्लियर हो गई है। अब बात आती है सर कब से कब तक कौन रहा, ये भी बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा ध्यान से, जैसे 6 साल के लिए कर्जन रहा है, उसके बाद देखोगे 5 साल के लिए मिंटो रहा है, फिर 6 साल के लिए हार्डिंग आता है, देन 5 साल के लिए स्लैमफोर्ड है, 5 साल के लिए रेडिंग है, 5 साल के लिए ही इरविन आ रहा है, 5 साल के लिए विलिंगटन आ रहा है, लेकिन लिलिथ को थोड़े ज्यादा टाइम के लिए रहा बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, तो ये थोड़े एक्स्ट्रॉडिनरी सर्कमस्टेंसेस थे, तो आप इसलिए देखेंगे 7 साल तक रहे, 7 ईयर्स तक रहते हैं, 36 से 43। तो कई बार क्वेश्चन आता है क्विट इंडिया मूवमेंट पे कौन थे वाइस प्रेसिडेंट, तो लिलिथ को थे।